नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। जमीनी विवाद में मारपीट के बाद चक्का जाम। मऊ जिले के दक्षिण टोला क्षेत्र के हकीकतपुर मोहल्ला में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें घायलों और उसके परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को समाप्त कराया, साथ ही हमलावर को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हम आप तक ये दिखा रहे हैं तस्वीरें, तहलका न्यूज आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। आक्रोशित लोगों ने किस तरह से सड़क जाम किया हुआ है ये देखिए। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाते हुए पुलिस, आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। शाम को खा करके सो गए। दरोगा साहब आए, कहे कि तुम लोग ना झगड़ा करना, कल हमारी जमानत हुई, हम लोग आए थे। हाँ साहब, रात में आए और जमानत करके हम लोग आए, तो कहे कि देखो तुम लोग खा पी करके सो जाए। ठीक है सर, हम लोग खा पी करके सो गए। हम लोग मारो नहीं किया सर, 4-3 बजे भोर में उठ के सर मैदान करने गए। मारने में कौन कौन था? मन्नू पाद जोना पप्पू लोरी। ये आज सुबह 5 बजे के आसपास जो है, 4:30-5 बजे, ये हकीकत पूरा गांव है, बगल में ही घास के काम करने वाले के लोग हैं। मैं दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई, 2-3 लोग घायल थे, अस्पताल भिजवा दिया उन्होंने। लोग जाम करके बैठे हुए थे, तहलका न्यूज़ के सभी दर्शकों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तहलका न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं पंडित माहिंद्र पावन पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी से निवेदन है कि पूरे उत्साह उमंग के साथ हम लोग इस अपने पर्व को मनाएंगे। जय छठी मैया। जयेश पांडे, तहलका न्यूज़ के सभी दर्शकों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया। मैं शिखा चौबे तहलका न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करती हूं और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। कृष्णकांत चौबे, मऊ जनपद, सभी नगरवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभिषेक चौबे शिवम, सभी नगरवासियों के डाला छठ का हार्दिक शुभकामना देत बानी और इस छठ पर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लावे। धन्यवाद। जय छठी मैया। जय छठी मैया। हम चंदन, हम नंदन, आप सभी जनपद वासियों और देश वासियों को डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।